नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर आज की बहुत ही बड़ी खबर है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के एक सप्ताह बाद भी शिक्षा विभाग तय नहीं कर पाया प्रमोट की पॉलिसी, यानी आपको इस बार प्रमोट कर दिया गया है लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग यह तय नहीं कर पाया है कि आपको किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, यानी आपका जो रिजल्ट है वो किस बेस पर आने वाला है। और फॉर्मूला तय करने के लिए राजस्थान बोर्ड बनाएगा कमेटी, शिक्षाविदों से भी लिए जा सकते हैं सुझाव। और जयपुर से बहुत ही बड़ी खबर है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सप्ताह बाद भी 10वीं 12वीं के विद्यार्थी को प्रमोट करने की पॉलिसी है वो तय नहीं की है, यानी किस आधार पर आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। और सरकार ने 2 जून को इन दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया था और इसके बाद शिक्षा विभाग और बोर्ड को प्रमोट करने की पॉलिसी तय करनी थी। बुधवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और बोर्ड को निर्देश दिया कि एक कमेटी बनाकर फॉर्मूला तय कर इसका प्रस्ताव है वो जल्दी भिजवाया जाए और ज़रूरत पड़े तो इस मामले में शिक्षाविदों से भी सुझाव लिए जा सकते हैं। अब बोर्ड को तय करना है कि प्रमोट करने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जाए, यानी 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी दिनों से इंतज़ार है कि हमारा रिजल्ट है वो कब आने वाला है, हमारा रिजल्ट किस बेस पर आने वाला है, किस आधार पर हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा, किस आधार पर हमारा रिजल्ट है वो बनाया जाएगा। तो देखिए, अधिकारियों से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चर्चा हुई और बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भिजवाने को कहा। बोर्ड अध्यक्ष से शिक्षा निदेशक की कमेटी बनाकर इस पर निर्णय के लिए कहा गया है। जरूरत पड़ने पर शिक्षाविदों से सुझाव लिए जा सकते हैं और ये हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है।